बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं अपने सामने खूबसूरत वादी नारान। नारान वैली इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान विद इन द मानसेरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। इट्स अ ब्रेथ टेकिंग नेचुरल हेवन इन पाकिस्तान। नारान वैली बहुत ही खूबसूरत वादी है, पाकिस्तान के मानसेरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाक़ है ये, और ये कुदरती झीलों और खूबसूरत सरसब्ज व शादाब पहाड़ों में घिरी हुई एक खूबसूरत वादी है। नारान इज़ रेनाउंड फॉर इट्स स्टनिंग लैंडस्केप्स, स्नो कैप पीक्स एंड प्रिस्टीन लेक्स। हियर आर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ नारान वैली नेचुरल ब्यूटी। नारान वैली इज़ अ विजुअल डिलाइट with its diverse and captivating scenery. The region is surrounded by towering mountains, lush green meadows, and enchanting landscapes that change with the seasons. Naran Valley ke andar bahut hi khoobsurat pahad hain. In pahadon ki banavat subhanallah bahut hi khoobsurat hai. Ye bahut wasi aur aris inka expand hai, bahut bade phaile hue hain. Aur yahan par lush green meadows maujood hain aur लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत है, और दरिया गुनहार जो है वो इसकी एक खूबसूरती में इजाफा करता है। सैफर मलूक लेक, द आइकॉनिक सैफर मलूक लेक इज अ ज्यूल इन द क्राउन ऑफ नारान वैली। सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 3,224 मीटर्स, ऑलमोस्ट 10,500 फीट अबव सी लेवल, दिस लेक इज फ्रेम्ड बाय स्नो कवर्ड पीक्स ऑफरिंग अ मेस्मराइजिंग एंड सरीन एटमोसफेयर। The legendary tale of Prince Saif al-Muluk and the Fairy Queen adds to the mystical charm of the lake. Saif al-Muluk यहाँ की बहुत ही खूबसूरत झीलों में से एक झील है, और सयाह यहाँ पर जीप ड्राइव के थ्रू पहुँचते हैं, कुछ लोग ट्रैकिंग भी करते हैं, और ये 10,500 फीट की बुलंदी पर वाकई खूबसूरत झील है जो पहाड़ों में घिरी हुई है। और सर्दियों के अंदर ये झील बिल्कुल स्नो कवर्ड हो जाती है, और इसमें ट्राउट मछली भी पाई जाती है। लालाजार प्लेटू, लालाजार इज अनदर डेस्टिनेशन इन नारान वैली नोन फॉर इट्स मेडोज एंड वाइब्रेंट फ्लावर्स। एक्सेसिबल बाय जीप और ट्रैकिंग, लालाजार प्रोवाइड्स पैनोरामिक व्यूज ऑफ द सराउंडिंग माउंटेन्स। सैफर मलूक लोग जाते हैं, और साथ में एक जो और खूबसूरत इलाका है यहाँ का वो है लालाजार मेडोज़। ये भी जीप ड्राइव के थ्रू एक्सेसिबल है, और सयाह यहाँ पर जाते हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। अगर आप नारान बाबूसर रोड के ऊपर आगे की तरफ जाएं तो इसका जीप ट्रैक आता है। बहुत ही खूबसूरत मेडोज़ हैं, मौसम बहुत ही खुशगवार होता है, और यहाँ पर गर्म कपड़े लेके जाएं अपने साथ, क्योंकि बहुत शदीद सर्दी का सामना आपको हो सकता है। और लालाजार प्लेटू के ऊपर एक अदद ज़िप लाइन भी मौजूद है, जो कि गर्मियों के सीज़न के अंदर जिस वक्त पीक सीज़न होता है इनका, उस वक्त ये फंक्शनल होती है, और कुछ चाय वगैरह के स्टॉल्स वगैरह मौजूद हैं। आपका जीप ड्राइवर जो है वो कुछ देर के लिए यहाँ पर क़याम करेगा, और आप इस मेडोज़ की खूबसूरती से लुत्फ़ानंदोज़ हो सकते हैं, और आसपास के जो खूबसूरत और बुलंदों वाला पहाड़ हैं उनका नज़ारा कर सकते हैं। बाबूसर पास, सर्विंग एज अ गेटवे बिटवीन खैबर पख्तूनख्वा एंड गिलगित बाल्टिस्तान। बाबूसर पास इज अ हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन पास नियर नारान वैली। द पास ऑफर्स ब्रेथ टेकिंग व्यूज ऑफ द सराउंडिंग पीक्स एंड इज एन इम्पॉर्टेंट रूट फॉर ट्रेड एंड ट्रेवल। और जो नारान बाबूसर रोड है ये आगे बाबूसर पास पर से गुजरती है, जिसका ऑल्टीट्यूड है 13,700 फीट अबव सी लेवल। नारान वैली इज़ अ पैराडाइज फॉर एडवेंचर एंथूजीज़। ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, कैंपिंग एंड ट्राउट फिशिंग आर पॉपुलर एक्टिविटीज़। द रीजन सर्व्स एज अ बेस फॉर ट्रैक्स टू हाई ऑल्टीट्यूड लेक्स एंड पीक्स। यहाँ पर लोग ट्राउट की फिशिंग भी करते हैं, और रिवर के ऊपर राफ्टिंग की भी सहूलत मौजूद है।
Accessibility. Naran Valley is accessible by road, offering a scenic journey. However, due to heavy snowfall in winters, the road is often closed. The best time to visit is from late spring to early autumn.